अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री, होप सो यू आर ऑल फाइन। चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। आज मैं आपको समझाऊंगा कि पीरियोडिक टेबल क्या है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं। ये वो पीरियोडिक टेबल है जो आपकी बुक्स पर अक्सर बना हुआ होता है। अगर इस पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करें तो इस पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किए गए। आपको पता है हर एटम होता है, जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी होगा और मास नंबर भी होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है इसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अपने एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किए गए। अब इस पीरियोडिक टेबल में आपको बताऊँ तो ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं ये एस सीरीज़ में आते हैं, यानी ये एस ब्लॉक में आते हैं। बाकी ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो ग्रुप्स हैं ये पी सीरीज़ यानी ये पी ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक में आते हैं, यानी ये डी ब्लॉक की फैमिली के मेंबर हैं। उसके बाद ये जो लास्ट में 2 रोज दी हुई हैं ये आपके एफ ब्लॉक मेंबर्स की फैमिली है। यानी हम पहले सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इसको बेसिकली पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 2 जो ग्रुप्स हैं यानी वो एस ब्लॉक में, बीच वाला जो मिडिल वाले ग्रुप्स हैं वो डी ब्लॉक में हैं, और जो लास्ट वाले ग्रुप्स हैं वो पी ब्लॉक में हैं, और जो नीचे बॉटम में 2 रोज दी गई हैं वो एफ ब्लॉक में कंसिडर की जाती हैं। अब आइए हम चलते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड हैं, यानी अगर हम लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल वे में हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो बेसिकली वो क्या होगा, वो आपका पीरियड होगा। अगर हम काउंट करें पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, तो यहाँ पर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तुम्हारे पास आंसर ये है कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं। कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं। हम इनके साथ नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर मैं कोई कहेगा कि पीरियड्स को डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, द हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। यानी पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल रो है फर्स्ट पीरियड, ये दूसरी रो है ये सेकंड पीरियड, ये तीसरी रो है ये थर्ड पीरियड, ये चौथी रो है ये फोर्थ पीरियड, ये पांचवी रो है ये फिफ्थ पीरियड, ये छठी रो है ये सिक्स्थ पीरियड, और ये सातवीं रो है और ये सातवां पीरियड। यानी हम पीरियड को ऐसे डिफाइन करेंगे कि द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब सीधी लाइनें, ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, आपके पीरियड्स कहलाते हैं। टोटल 7 पीरियड हैं। अगर हम बात करें, अच्छा, पीरियड को एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका हाइड्रोजन है और आपके टॉप राइट कॉर्नर पे आपका हीलियम है। यानी ये राइट है ना, मेरा राइट हैंड है, तो इसकी टॉप साइड पे देखें तो, और उसके राइट हैंड कॉर्नर पे देखें मेरे, तो यहाँ पे हीलियम है, और ये मेरा लेफ्ट हैंडेड साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हाइड्रोजन मौजूद है और टॉप राइट कॉर्नर पे हीलियम। अच्छा, चलिए हम फर्स्ट पीरियड को देखते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में बेसिकली 2 एलिमेंट्स है, ये आपका फर्स्ट पीरियड है, इसमें पहला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट जो है वो हीलियम है। यानी फर्स्ट पीरियड में आपके कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स हो गए। अब हम सेकंड पीरियड में जाएंगे तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी आपके सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपके थर्ड पीरियड में चलते हैं, थर्ड पीरियड में काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। अब हमारी बारी है फोर्थ पीरियड की, तो फोर्थ पीरियड में हम काउंट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 18 एलिमेंट्स होंगे, मैंने पहले से काउंट किया है। चलिए काउंट करते हैं इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसके भी कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 18 एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड है, तो फिफ्थ पीरियड को काउंट करेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। लेट्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। हमारे फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
अब सिक्स पीरियड की बारी है, तो सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स है काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 एलिमेंट्स। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि सिक्स पीरियड में 18 एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। वो कैसे, ये जो आपको एक रो नज़र आ रही है ये भी सिक्स पीरियड के साथ शामिल है आपकी रो। बेसिकली ये आपकी रो जो शामिल हुई है वो कुछ वक्त, आपको पता है कि पहले जो ज़माना था उसमें कुछ एलिमेंट्स पहले डिस्कवर किए गए, कुछ बाद में डिस्कवर किए गए। जैसे ये यहाँ पे आपके सिक्स पीरियड में लेंथिनाइड है, एल ए, ये लेंथिनाइड है। लेंथिनाइड के बाद आपके ये एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, लेकिन ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लेंथिनाइड से काफ़ी बढ़ कर था, यानी ज़्यादा था। उसी दौरान बाद में ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो ये हमने इनको एक अलग से सेपरेट रो में यहाँ अरेंज कर दिया, यानी लेंथिनाइड के बाद आएगा लेंथिनाइड, सिनाइड, प्रमाइड, डमडाइड, ये एंड सो ऑन, ये सब आएंगे। जब ये सब आएंगे तो फिर ये एलिमेंट्स बेसिकली यहाँ पे पीरियड टेबल में जगह नहीं था, तो इन एलिमेंट्स को हमने अलग से यहाँ पे नीचे एक रो में, जैसे लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज कहते हैं, उसमें अरेंज कर दिया। आप काउंट करते हो सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये भी सिक्स में शामिल है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यानी आपके सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह ही सेवन पीरियड में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बाद में डिस्कवर हुए, जब वो बाद में डिस्कवर हुए तो तब उनको इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना मुश्किल था। अगर अरेंज करते तो इसकी जो वो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता, तो इसकी जो नंबरिंग है वो भी क्या हो जाती, डिसबैलेंस हो जाती, तो फिर पीरियोडिक टेबल इतना एफिशिएंट नहीं होता। इसलिए सातवें पीरियड में भी जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए उन्हें अलग से हमने यहाँ नीचे एक्टिनाइड्स की, लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज में डाल दिया, यानी सातवें पीरियड में ये एलिमेंट्स भी हैं और ये एक्टिनाइड सीरीज के भी मेंबर जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो सातवें पीरियड के ही हैं। काउंट करते हैं कि सातवें पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यानी इसके भी कितने एलिमेंट्स हैं, इसके भी 32 एलिमेंट्स हैं। हमें मालूम है कि हमने अपने एलिमेंट्स को पीरियोडिक नंबर की बुनियाद पे, यानी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज किए। अब इस एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज करने को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, पीरियोडिक लॉ। मैंने कहा आपको ये भी डिफाइन कर दूँ, पीरियोडिक लॉ क्या होता है। बेसिकली अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पीरियोडिक लॉ। अब हमने पीरियड्स को डिफाइन कर लिया, अब हमारी ये बारी है ग्रुप्स की बारी है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स और द वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स आपको पता है आप मैथ में पढ़ते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो होती है और ये वर्टिकल कॉलम होता है, ठीक है। द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, यानी यहाँ आपको वर्टिकल कॉलम एक ही नज़र आ रहा है, एक ही 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 है, काफ़ी ज़्यादा आपको वर्टिकल कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल कॉलम्स बेसिकली क्या है, ग्रुप्स। अगर हम अब डिफाइन करेंगे कि ग्रुप्स क्या है, तो हम कहेंगे द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। अब यहाँ ग्रुप को नंबरिंग दी गई है, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, और बेसिकली सेकेंड ए ग्रुप के बाद यहाँ देखें तो क्या है, अब यहाँ आपको सेकंड ए ग्रुप के बाद यहाँ आना चाहिए, लेकिन हमने पता है कि जो ग्रुप है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में ग्रुप को डिवाइड किया गया। कौन कौन सी कैटेगरीज में, ग्रुप को ग्रुप ए में डिवाइड किया गया और ग्रुप बी में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। ग्रुप ए के जो ग्रुप्स हैं वो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, और फिर यहाँ आ जाता है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए और एट ए, ठीक है। बेसिकली हम ये ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस करते हैं, इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस नहीं। ये ए कैटेगरीज के मैंने लिख दिए। अब ये जो बीच वाले ग्रुप्स हैं ये बी कैटेगरी के, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, और ये 7B में तीन कैटेगरीज, ये भी 7B में आता है, ये भी 7B में आता है, और यहाँ पे क्या है, फिर आपका थर्ड बी के बाद यहाँ पे वापस 1B और यहाँ पे 2B, ठीक है, ये आ जाता है, यानी ये तीनों कैटेगरीज इसमें आ जाती है। हम बेसिकली इन पीरियोडिक टेबल में इन ये बी कैटेगरीज को इतना डिस्कस नहीं करते, या बड़े लेवल पे डिस्कस करते हैं। आपके लेवल पे हम जो ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं वो टोटल 8 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स ए ग्रुप, सेवन्थ ए ग्रुप और एट्थ ए ग्रुप, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट ए ग्रुप जो होते हैं, अब यहाँ पे ग्रुप्स की फैमिलीज़ के नाम भी दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल।
फर्स्ट ए ग्रुप जो है ना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, फर्स्ट ए ग्रुप की जो फैमिली का नाम है वो क्या है, अल्कली मेटल। इसी तरह जो सेकंड ए ग्रुप की फैमिली है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम, इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी तरह थर्ड ग्रुप जो है बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम ठीक है नेनियम, ये जो है आपके पास ग्रुप इसका नाम है बोरोन फैमिली। इसी तरह फोर ये ग्रुप के मेंबर जो हैं वो उसका नाम है कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड और यहाँ पे आयरन है ठीक है बिस्मत सॉरी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिक्स ग्रुप की बात करें तो ये ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन है, ऑक्सीजन है सल्फर है सिलिकॉन है टाइटेनियम है पोलोनियम है ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके जो सेवंथ है इसे हम कहते हैं हैलोजन। हैलोजन में क्या आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन ठीक है एस्टाटीन तक है। ये आगे अब नया अभी कोई है टैलिन नया इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे आपके जो बुक पे पीरियोडिक टेबल बना है उसमें 109 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 109 एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स दिए हुए हैं लेकिन आपकी बुक में 109 एलिमेंट्स ही हैं। इसी तरह ये आपका जो आठवां ग्रुप है उसके ग्रुप का नाम है नोबल गैसेज। इसकी ये खासियत है नोबल गैसेज की, जैसे हीलियम है नियोन है आर्गोन है क्रिप्टोन है जीनोन है रेडोन है या आर्गोन एक और निकला है पे आपकी बुक में ये नहीं है लेकिन ये एक और आपको बताया जा रहा है। तो बेसिकली ये कौन सी नोबल गैस फैमिली, नोबल गैस फैमिली की ये खास बात है कि इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है, बाकी तमाम एटम आपस में बॉन्डिंग करके नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं ताकि वो क्या हो सकें स्टेबल हो सकें ठीक है। आज हमने डिस्कस किया पीरियोडिक टेबल क्या है, उसमें पीरियड्स कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप्स को हमने कैसे अरेंज किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे अभी आप याद भी आप कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर कौन कौन से, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम। सेकेंड ग्रुप के मेंबर है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं बोरोन का एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। फोर्थ ग्रुप के मेंबर है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। सिक्स ग्रुप के मेंबर है नाइट्रोजन फॉस्फोरस सॉरी फाइव ग्रुप के नाइट्रोजन फॉस्फोरस एसेटीन लेड बिस्मत। और सिक्स ग्रुप के जो मेंबर हैं ऑक्सीजन है सल्फर है सिलिकॉन है टाइटेनियम है पोलोनियम है। और उसके बाद जो सेवन्थ ग्रुप के मेंबर हैं वो कौन है, फ्लोरीन है क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है एस्टाटीन है। ये जो लास्ट में दिए हैं ये आई थिंक एक्स्ट्रा अभी जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो दिएंगे। वैसे आपकी बुक पे 109 एलिमेंट्स हैं ये जो आपने याद करने। उसके बाद जो एट ग्रुप मेंबर्स हैं उसकी फैमिली का भी नाम आपको पता है नोबल गैस है, उसमें क्या है हीलियम नियोन आर्गोन क्रिप्टोन जीनोन रेडोन ठीक है। इसके बाद पीरियोडिक टेबल तो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। इसके बाद हम ये मालूम करेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट का कैसे ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं और कैसे पीरियड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ ईजिली अवेलेबल हो सके।